तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के पेपर में एक न्यूज़ है जो पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको इसको विस्तार से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पीएम किसान बेनिफिशरीज ड्विलिंग गवर्नमेंट एड 34 लाख इन स्पेशल ड्राइव। अब यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में लिखा है जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको विस्तार से बता देता हूँ, जिससे आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। ये पेपर आप देख सकते हैं, जय इंडियन एक्सप्रेस का जो पेपर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं आज के पेपर में न्यूज़ है। मैं चलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, आज क्या पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए नई अपडेट है। तो आप देख सकते हैं आज के पेपर में लिखा है, घट रहे हैं पीएम किसान लाभार्थी, सरकार ने विशेष अभियान में जोड़े 34 लाख हैं। यानी पीएम किसान के लाभार्थी घट रहे हैं, अब 34 लाख नए जो है वो विशेष किसानों को जोड़ा है, 34 लाख किसान है और नए अभियान के तहत जुड़ चुके हैं। चलिए क्या पूरा अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 27 दिसंबर का ये अपडेट है और यहाँ पर लिखा है, पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या अप्रैल जुलाई 2022 में 10.47 करोड़ के शिखर पर 20% से घटकर 8 करोड़ हो गई है। यानी पहले 11 करोड़ के लगभग किसान जुड़े हुए थे, अब 8.25 करोड़ किसान रहे हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार ने विकास योजना के लॉन्च के बाद संतृप्त अभियान के तहत 34 लाख किसानों को वापस जोड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि पीएम किसान योजना के तहत एक संतृप्ति अभियान अभी चल रहा है, इसके अभियान के तहत अब तक नए किसानों को 34 लाख को जोड़ा जा चुका है। पूरे भारत देश में ये अभियान अभी चलाया जा रहा है और ये संकल्प यात्रा है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, और नवंबर को भारत संकल्प यात्रा लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले 15 नवंबर को शुरू की गई यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि सभी इच्छित लाभार्थियों को कवर किया जाए, यानी पीएम किसान के जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना में जोड़ा जाए, जो वंचित हैं, फ़ायदा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको इस योजना में जोड़ा जाए, जिनका फॉर्म सही है फिर भी पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको पैसा दिलाया जाए। इसलिए पूरे देश में संकल्प यात्रा चल रही है और पीएम किसान के लिए यह संतृप्ति अभियान है जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं उनके लिए खास कर है, क्योंकि केंद्र की सबसे बड़ी किसानों की योजना है जिसमें अब इस अभियान के तहत है वो सभी कार्य किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा दाव है जो इस यात्रा के दौरान सभी किसानों को इस योजना में जोड़ा जा रहा है। 24 लाख यानी 34 लाख किसानों को जोड़ा जा चुका है, बाकी अभी भी बहुत से किसान वंचित हैं, क्योंकि आपको पता है 11 करोड़ से 8 करोड़ किसान हो गए हैं ये पीएम किसान के तहत हैं, तो 3 करोड़ किसान वैसे भी बाहर हो चुके हैं जो EKYC या फिर ज़मीन नहीं होने की वजह से फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पर एक ग्राफ वाइज भी बताया गया है नई पीएम किसान के तहत लाभार्थियों की सूची। अब इन सूची में आप देख सकते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई 2020-21 में कितने थे और अब 2023-24 में कितने रह गए हैं वो आप खुद देख सकते हैं, 8.12 करोड़ यानी 8.12 करोड़ रह गए हैं 2023-24 में, और 2019-20 में 7 से शुरू हुआ था और बीच में 11 करोड़ के नज़दीक मामला चला गया था, लेकिन फिर से किसान कम हो गए हैं। पीएम किसान में पहले बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उस समय 3-4 करोड़ किसान ऐसे थे जिन्होंने फर्जी पैसे लिए थे। सरकार अब अभियान के तहत फर्जी किसानों को बाहर कर रही है और सही किसानों को जोड़ रही है। यहाँ पर लिखा है 15 नवंबर को 8.12 करोड़ किसानों को भुगतान किया गया था, यानी पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 तारीख को जारी हुई थी, वो 8.12 करोड़ किसानों को जारी हुई थी। सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत कार्य किया गया है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा इस समय दे रही हैं, अपडेट यही है कि अब किसानों को है वापस जोड़ा जाएगा जो किसान इस योजना से कम हुए हैं। तो अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है तो सरकार की संकल्प यात्रा का फ़ायदा उठाएँ और पीएम किसान के फॉर्म को सही करवाएँ। अगर आपकी कोई समस्या है, सवाल या सुझाव है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।